अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन। चैप्टर नंबर 9 हम लोग फिनिश कर चुके हैं और उसका लास्ट क्वेश्चन है और एक पार्ट रहता था क्वेश्चन का, उसको भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। सो प्लीज सी ऑन द बोर्ड हियर पेज नंबर 144 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल 5 वन सी का जो रिमेनिंग पार्ट रहता था वो क्या है? एम्प्टी एलिमेंट्स। क्या होते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एन ऑफ टैग आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर आपको ऑफ टैग की जरूरत नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी थी लेकिन यहाँ पर राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन पूछी गई है। लाइन ब्रेक जो हमने पढ़ा था, लाइन ब्रेक ठीक है, जिसका टैग इस तरह से होता है BR ठीक है, ये लाइन ब्रेक का टैग होता है, तो ये होता है एम्प्टी एलिमेंट, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, व्हाट डज सीएसएस मीन, व्हाट डज इट स्पेसिफाई? सीएसएस क्या होता है और ये क्या शो करता है? सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सीएसएस का पूरा नाम होता है, इज अ स्टाइल शीट दैट प्रोवाइड्स मुहैया करती है अ सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर डिस्प्लेइंग एचटीएमएल एलिमेंट्स इन अ वेब पेज। डिस्प्ले मतलब जाहिर करना, एच टी एम एल एलिमेंट्स के को डिस्प्ले करने के लिए जो स्टाइलिंग रूल्स होते हैं, ये तमाम के तमाम रूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? कैस्केडिंग स्टाइल शीट से, सी एस एस से। सो दीज आर सेट ऑफ रूल्स फॉर डिस्प्लेइंग आर एच टी एम एल एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज लर्न इट एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।